a shocking development, Rashtriya Lok Dal Khurja candidate Manoj Gautam and one more person were arrested for the murder of the former's brother Vinod Kumar on Wednesday in UP's Bulandshahr so as to garner sympathy votes. ये जो मनोज गौतम जी हैं, इनके परिचित हैं परविंदर, जो पिछले छह माह से इनके साथ थे, इनके घर पे रहते थे और इनके यहाँ कोई गाड़ियों में तेल भरने का कार्य कर रहे थे. इन दोनों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को कारित कराया गया. सर्कमस्टांसेस जो थे वहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था सीन ऑफ क्राइम पर. उससे ये समझ में आया कि कोई परिचित व्यक्ति इनको यहाँ तक लाया है. फिर जो रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिली उस पर काम किया गया. सर्वेलेंस से इनके मोबाइल, इनकी लोकेशंस क्रॉस चेक की गई और फिरोज के जो बयान हुए तो फिरोज से जब पूछताछ हुई उससे जो फैक्ट्स निकल कर आए उस बेसिस पर पुलिस इन तक पहुंची. ही वांटेड टू गार्नर सम सिंपैथी वोट्स. इनको ये लग रहा था कि किसी तरह से भी मुझे जीत सुनिश्चित करनी है, तो इन लोगों के द्वारा ये प्लान करके घटना कारित कराई गई. चुनावी जीत के लिए हत्या की गई अभी तक की विवेचना में यही निकल कर आया. पिस्टल, जिस पिस्टल से वेपन है जो क्राइम का वो मिला है, मृतक के दोनों मोबाइल्स हैं और इसको हम लोग बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज रहे हैं ताकि चीजें और क्लियर हो. Meanwhile, the accused said that dirty politics is being played by the BSP as he was winning in the polls. ये बसपा वाले ने साजिश करके और जब करवाया गया है. पुलिस ये आरोप लगा रही है कि तुमने मर्डर करवाया है.